अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं मोहम्मद नईम और आप देख रहे हैं उर्दा पाकिस्तान। आज साड़ी फसल आलमोस्ट तकरीबन 130 डेज की हो चुकी है तो हर 15 दिन बाद असी कोई ना कोई चीज़ फ्लड कर रहे हैं। कल्ला पानी कोई भी नहीं लगा रहा है ताकि जरा ना पानी जरा यह सोर्स ऑफ फंगस होंगे, सोर्स ऑफ बैक्टीरियल और जितनी भी बीमारियां आदि पानी की वजह तो ही आदि। जो पानी की ज्यादती हो जाए पौधे गिलावट आ जाती है, बीमारियाँ आ जाए सदेबाब करने वास्ते असी की हम क्या कर रहे हैं। इसको हम एक तो हम SOP लगा रहे हैं, इसके अंदर सल्फ़र है जो पौधे की जो जड़ें हैं उनको हेल्दी बनाने के लिए बहुत ज़्यादा कारामद है। ये मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी हैं और साथ साथ ये एक खुराक भी है और एंटी फंगस का ये काम भी रोल बहुत अच्छा अदा करती है। ये हमारे पास जाफर ब्रदर की SOP है, इसके अंदर पोटाश भी हैं जो आजकल जो दिन चल रहे हैं इसमें पोटाश की अशद ज़रूरत होती है और तकरीबन अब जितने भी इसको फ्लड होंगे, जितना भी पानी लगेगा उसके अंदर पोटाश ज़रूर शामिल होगी। पोटाश और सल्फ़र डेफिनेटली साथ साथ आ जाएंगे और जैसा कि मौसम अब खुला हुआ है, मौसम ठीक भी है तो हमने सोचा कि इसको उसको कम अज़ कम 25 kg यूरिया की एक डोज दी जाए ताकि जो पत्ते की डेफिशिएंसी ऑफ नाइट्रोजन है वो भी ख़त्म हो जाए। उसके साथ हम नाइट्रोजन जो है बोरान अब हर पानी के साथ 250 ग्राम के हिसाब से हम डाल रहे हैं और इसकी जो टोटल खुराक बन जाएगी वो 3 kg आलमोस्ट जब तक हम पूरा नहीं करते बोरान हम डालते रहेंगे। इसके अलावा जो फोर्थ आइटम हमारे पास है वो रिक्लेमर है, रिक्लेमर डाल रहे हैं। ये एक बायो ऑर्गेनिक जो कंपाउंड है, ये जो जितनी भी इनकी फादियत है इनको सारे को बूस्ट अप करने के लिए इस्तेमाल होता है और इसके साथ हमने इसके अंदर ह्यूमिक एसिड भी इस दफ़ा ऐड किया ताकि जो डेफिशिएंसी है ह्यूमिक एसिड की, ह्यूमिक एसिड में पोटाश भी होता है और ह्यूमिक एसिड भी होता है और ये दोनों ही बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। अगर ये सारा कॉम्बिनेशन हम मिक्स कर लें तो हमारी जो क्रॉप की जो जितनी भी डेफिशिएंसी है आलमोस्ट जो खुराक भी मिल जाएगी उसको पौधों को और उसमें जो प्रोटीन बनाने का प्रोसेस है वो भी तेज़ हो जाएगा। जड़ों के अंदर जो भी हमारे जो वायरस का इन्फेक्शन है या फंगस का इन्फेक्शन है या बैक्टीरिया का इन्फेक्शन आ जाता है, कोई और इन्फेक्शन जो होता है वो हमारी सल्फर इसको कवर अप देगी और खुराक भी चली जाएगी और इसमें बूस्ट भी चला जाएगा बूस्ट करने के लिए ताकि जितनी भी हमारी जो ये हमारा रिक्लेमर है ये एक्चुअली बूस्ट के तौर पे इस्तेमाल होता है। जो हमारी ज़मीन में जितनी भी फास्फोरस है या पोटाश पड़ी है वो उनको दोबारा रीयूज़ करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता है। इंशाल्लाह इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होने वाला है। जितने भी मेरे दोस्त हैं उनके ये क्वेश्चन थे कि जी हम बोरान क्यों डाल रहे हैं, आप बाद में डालना चाहिए, अब क्यों डाल रहे हैं। बोरान की फादियत पर हम एक पूरा लेक्चर बनाएंगे कि बोरान के क्या फ़ायदे होते हैं और हम रिकमेंडेशन भी देंगे कि किस प्रोफेसर ने ये कहा है कि इसकी रिसर्च जो पेपर है वो भी हम इसका नेक्स्ट टाइम हम शुरू करेंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर चैनल। अस्सलाम वालेकुम।